कहानी मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले की है। छिंदवाड़ा जिले में एक जोनपाल गांव है। ये पूरा जो गांव है ये ट्राइबल, ज़्यादातर यहाँ पे जो जाति के लोग हैं वो आदिवासी वो लोग रहते हैं। इसी गांव में कंचन नाम की एक लड़की रहा करती थी। 14 साल की उसकी उम्र थी और ये बात है 2014 की। 13 जून 2014 की रात थी। कंचन अपने घर के आसपास ही हमेशा वहीं पे रात को अपनी सहेलियों से मिला करती थी। लेकिन 13 जून 2014 की रात कंचन करीब 10:30 तक घर नहीं लौटी, तो घर वालों को फिक्र हुई। उसके पिता ने, भाई ने उसे ढूंढना शुरू किया, वो कहीं मिली नहीं। तो आखिर में वो पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और पुलिस स्टेशन में जाकर अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखा देते हैं। 14 साल की कंचन गायब थी। पुलिस रिपोर्ट लिखती है। अगले दिन तफ्तीश के नाम पर थोड़ा इधर उधर घूमती है। उसके बाद कहती है हम ढूंढ रहे हैं। धीरे धीरे वक्त बीतता है। गरीब परिवार था, आदिवासियों का मोहल्ला था, शायद पुलिस इसीलिए इतना तवज्जो देती नहीं इस केस पर। अब धीरे धीरे वक्त बीतता है, माँ बाप अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कंचन को ढूंढने की, वो कहीं मिल नहीं रही है और पुलिस मेहनत नहीं कर रही है। 2014 से 2021 आ जाता है, 7 साल बीत जाते हैं। 7 साल तक कंचन का पता नहीं चलता। इन 7 सालों में अब 14 साल की कंचन 21 साल की हो चुकी थी, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं। अब इसी दौरान होता यह है कि इधर मध्य प्रदेश में MP पुलिस एक कैंपेन शुरू करती है, एक अभियान, और 2020 में, और इस अभियान का नाम था ऑपरेशन मुस्कान। ऑपरेशन मुस्कान एक अच्छी खूबसूरत पहल थी। ऑपरेशन मुस्कान के तहत उन लोगों को ढूंढने का काम पुलिस को करना था जो लंबे वक्त से गुम है, गायब है, खासतौर पर बच्चियां। तो ऑपरेशन मुस्कान के तहत पुलिस ने खूब सारे ऐसे पुराने केसों को खंगालना शुरू किया और करीब 2000 से ज़्यादा ऐसे परिवार के चेहरे पर मुस्कान भी ले आई जिनके बच्चे या बच्चियां गायब थी, और पुलिस ने उस केस को सुलझा लिया। करते करते करीब लगभग 2500 के आसपास, बहुत ही कम वक्त में, पुलिस ने ऑपरेशन मुस्कान के तहत गुमशुदा बच्चियों को ढूंढने का काम किया। अब इसी ऑपरेशन मुस्कान जो हर ज़िले में चल रहा था, तो छिंदवाड़ा के इलाके में भी इस कैंपेन के तहत पुलिस को जिम्मेदारी दी गई, आप भी अपने अपने इलाके के पुराने केसेस को देखो, गुमशुदा बच्चियों को देखो और उनको ढूंढो। छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट की पुलिस ने भी अब पुरानी फाइलों को पलटना शुरू किया। जैसे ही पलटना शुरू किया 2014 का वो केस उनकी नज़रों के सामने से घूमा, 2014 का, कंचन की गुमशुदगी का। पुलिस को लगा कि चलो ऑपरेशन मुस्कान के तहत अब कंचन को ढूंढते हैं, 7 साल में जो नहीं वो आप करते हैं। अब इसके बाद पुलिस ने पुरानी फाइलों को खंगाला, पूछताछ शुरू हुई। कंचन के घर गई कई बार पुलिस, माँ बाप से पूछताछ हुई। कंचन का एक भाई था जो नौकरी के लिए होशंगाबाद चला गया था, पुलिस ने उसके बारे में पूछा। अब ये पूरी पूछताछ करने के बाद एक रोज़ पुलिस ने होशंगाबाद से कंचन के भाई को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद घर लाई और उसके बाद पूरे परिवार को लेकर कहा कि चलो एक जगह लेकर चलते हैं। और उसी गांव में, जोनपाल गांव में, थोड़ी सी दूरी पर बस्ती से एक आम का पेड़ था, उस पेड़ के नीचे अब खुदाई शुरू की। अब कंचन का भाई वहाँ मौजूद, कंचन का पिता वहाँ मौजूद, खुदाई शुरू हुई, गांव के लोग भी आ गए, पुलिस ने बाकायदा इजाज़त लेकर खुदाई शुरू की। जब खुदाई शुरू की थोड़ी देर के बाद अंदर से कुछ मिलना शुरू हुआ, वो इंसानी हड्डियाँ थी कंकाल की। धीरे धीरे पूरा गड्ढा खोदा गया और एक एक कर उन हड्डियों को बाहर निकाला गया। कंकाल और कंकाल की शक्ल में हड्डियां बरामद होने के बाद पुलिस ने मौके पर ही कंचन के भाई और उसके पिता दोनों को गिरफ्तार कर लिया और उनके ऊपर इल्ज़ाम ये कि इन दोनों ने ही अपनी बेटी और अपनी बहन कंचन का कत्ल किया, वो भी 7 साल पहले। अब पुलिस ने पूरी कहानी सुनाई और पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। पुलिस की पूरी कहानी यही थी कि कंचन के भाई ने बताया कि 14 साल की कंचन का अपने गाँव के किसी लड़के के साथ अफेयर था। घर वालों को ये बात पता चली, घर वालों ने उसे समझाया, पिता ने भी समझाया, कंचन मानी नहीं, वो लड़के से मिलती जुलती रही। एक रात वो अपने बॉयफ्रेंड से मिलकर आई, वो 13 जून 2014 की ही रात थी। घर वालों ने उससे पूछा, भाई को गुस्सा आया, भाई ने एक डंडा उठाया, बहन को पीटने लगा, तभी एक वार उसके सर पर लग गया, तेज़ी से खून बहने लगा और कंचन की मौत हो गई। बाप और भाई दोनों डर गए। इसके बाद उन दोनों ने कंचन के कपड़े उतारे, एक चादर में कंचन की लाश को लपेटा और रात के अंधेरे में वो अपने बस्ती से थोड़ी दूर
आम के पेड़ के नीचे गड्ढा खोदा और वहीं पर कंचन की लाश को दफना दिया। अब ये जो पूरी बिरादरी थी, ये चूंकि आपको बताया आदिवासी लोग थे, तो इनके यहाँ प्रथा थी कि लाशों को ये दफना दिया करते थे ज़्यादातर मामलों में, और दफनाने का काम बस्ती के बाहर करते थे। तो पुलिस ने कहा कि अब कंचन के भाई की निशानदेही और इकरार जुर्म, उसके बिना पर ये कंकाल मिला, और इसलिए अब उसके फादर और उसके भाई को कंचन के कत्ल के इल्ज़ाम में पुलिस गिरफ्तार करती है। पुलिस ने मौके से कुल जो पंचनामा किया उसमें दिखाया कि जिस जगह आम के पेड़ के नीचे वो हड्डियाँ गड्ढे खोद कर निकाले गए, तो एक इंसानी लाश के कुल 208 हड्डियों की बजाय 210 हड्डियाँ मिली। अब ये बाकायदा लिखित में है, पंचनामा में है, ये नहीं है कि किसी ने गलती से मुंह से निकल गया हो, रिटर्न में कानूनी दस्तावेज है कि उस पेड़ के नीचे से कंचन की लाश की कुल 210 हड्डियाँ मिली। अब उस वक्त तो किसी ने ध्यान नहीं दिया, बाद में आया कि एक इंसान में तो 208 ही हड्डियाँ होती हैं, तो ये एमपी पुलिस को 210 हड्डियाँ कहाँ से मिल गई, फिर लगा कि चलो कोई बात नहीं। अब पुलिस ने मामला दर्ज किया, कोर्ट में पेश किया कंचन के भाई और पिता को, अदालत ने दोनों को जेल भेज दिया। जेल भेजने के बाद अब पुलिस चार्जशीट करने की तैयारी कर रही थी। कुछ दिन बीते जेल जाने के बाद, कुछ वक्त के बाद, चूंकि कंचन के पिता बूढ़े थे, पुराना कोई रिकॉर्ड नहीं क्रिमिनल, और भाई ने यह कहा था कि चूंकि डंडा मैंने मारा सर पे तो मेरी वजह से मौत हुई है, तो अदालत ने कंचन के पिता को जमानत दे दी, जमानत पर बाहर आ गए। अब माँ और बाप अपने बेटे के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं, तो गरीब, ऊपर से कानूनी खर्चा, वकील, अदालत, चक्कर काटना, तो पूरे परिवार के ऊपर एक तरह से एक मुसीबत आ गई। अब अपने बेटे को बचाने के लिए वो कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं, ऊपर से उन्हें अब तक ये उम्मीद थी कि उनकी बेटी शायद कहीं होगी, लेकिन अब गड्ढा खुदा और 210 हड्डियाँ मिली तो उम्मीद भी दम तोड़ गई। अब उस घर पर दो दो तरह से आफत टूटी, एक बेटी की मौत की खबर, दूसरा उसी बेटी की मौत के लिए बेटे को जेल के अंदर। तो परिवार को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पुलिस अब चार्जशीट की तैयारी कर रही है, और उधर ऑपरेशन मुस्कान की कामयाबी के ढिंढोरे भी पीटे जा रहे हैं। ये सब कुछ चल रहा था, 7 साल के बाद गायब कंचन की हड्डियां मिलने के बाद उसके मौत का ऐलान पुलिस कर चुकी है। तभी लास्ट वीक, अभी 29 मार्च, इसी जोनपाल गांव में कंचन के घर पर एक महिला पहुंचती है, उसके साथ 2 बच्चे थे। वो महिला कंचन की मां को देखकर अचानक रोने लगती है, गले लगती है, मां भी हैरान। थोड़ी देर के बाद पता चलता है कि ये महिला कोई और नहीं, कंचन है, वही कंचन जो पिछले 9 साल से गायब है, वही कंचन जिसकी 7 साल पहले 210 हड्डियां पुलिस ढूंढ चुकी है, वही कंचन जिसके कत्ल के इल्ज़ाम में उसका भाई अब भी जेल में, और वही कंचन जिसके कत्ल के इल्ज़ाम में उसका बाप जमानत पर बाहर है। अब 9 साल पहले जो कंचन गायब हुई और 7 साल बाद जिसके कत्ल का एमपी पुलिस ने ऐलान कर दिया, वो जिंदा अपने घर में 2 बच्चों के साथ खड़ी हुई थी। धीरे धीरे बात गांव तक पहुंची, गांव वालों ने कहा कि ये क्या चमत्कार है। अब इसके बाद कंचन ने अपने माँ बाप से पूछा, रोई धोई, और उसके बाद अपने माँ बाप के साथ सीधे पुलिस स्टेशन पहुंची, उसी पुलिस स्टेशन जिस पुलिस स्टेशन में उसके कत्ल की FIR दर्ज थी। वहाँ जाकर वो कहती है कि मेरे कत्ल का मुकदमा इस थाने में दर्ज है और मैं जिंदा आपके सामने हूँ, और मेरे इस कत्ल के इल्ज़ाम में मेरा भाई जेल में है, मेरा बाप जमानत पर है, मेरे भाई को बरी किया जाए। अब पुलिस के सामने अजीब उलझन, हैरान परेशान पुलिस, ये हो क्या रहा है। फौरन आला अफसरों को खबर दी गई, उनके भी हाथ पैर फूल गए कि ये मामला क्या है। ऑपरेशन मुस्कान के नाम पर ये चेहरे की तो उनकी हवाइयाँ उड़ रही हैं, अब करे तो क्या करें। फौरन मामला मीडिया में आया। अब इस कहानी को हर तरफ लोग सुनाने लगे, बताने लगे, आला पुलिस अफसरों तक ये बात गई, तो वहाँ के जो आला पुलिस अफसर हैं उनको सामने आकर बयान देना पड़ा। उन्होंने कहा कि देखिए, जो 210 हड्डियाँ करीब मिली थी वो कंचन के भाई की निशानदेही पर उस जगह पे गड्ढा खोदा, हमें तो पता नहीं था, और वहाँ से मिली, और हमने उनको DNA के लिए भेज दिया। DNA के लिए 2021 में भेजा था, 2021 में सागर के लैब में, अभी 2023 है, 2 साल हो गए। इन 2 सालों में DNA की रिपोर्ट ना लैब ने भेजी ना पुलिस ने जहमत उठाई कि ज़रा पता तो कर लो कि वो DNA की रिपोर्ट है क्या।
अब डीएनए की रिपोर्ट होती तो बहुत सारी चीज़ें उस वक्त खुल जाती, पर पुलिस को तो मतलब ही नहीं था। अब 2 साल बाद एक मुर्दा लड़की कह रही है मैं जिंदा हूँ, अब पुलिस के सामने परेशान, तो पुलिस ने फिर वही दोहराया कि ठीक है इनका दावा है, लेकिन हम अब डीएनए कराते हैं, सैंपल लेते हैं कि सच में कंचन है या कोई और है, अगर ये है तो फिर वो कौन थी। अब इधर कंचन से पूछा गया कि ये बताओ तुम 7 साल से गायब, अब अचानक तुम 9 साल बाद आई हो, तुम्हारी कहानी क्या, तुम क्यों गई। तब उसने अपनी कहानी सुनाई, उसने कहा कि असल में जब मैं घर में थी एक लड़के से मुझे प्यार था, लेकिन मेरे पिता और भाई मुझे टोका टोकी करते थे, तो मुझे बड़ा गुस्सा भी आता था, मैं अपनी ज़िंदगी जीना चाहती थी, अकल थी नहीं उतनी, 14 साल की उम्र थी, तो मैं वहाँ से निकल गई और कुछ दिन तक उस लड़के के साथ रही, पर उस लड़के ने फिर मुझे धोखा दिया, फिर मैं पहले भोपाल गई, फिर उज्जैन गई, और इस दौरान में मुझे एक परिवार मिला और उन्होंने एक और लड़के से मेरी शादी करा दी। अब मेरे 2 बच्चे हैं, मैं ससुराल में रहती हूँ, बहुत खुश हूँ, मेरा पति भी अच्छा है, और मैं इस डर से फिर नहीं आई कि घर वाले मुझे मानेंगे नहीं इस शादी को, तो मैंने उनसे दूरी बना ली और इसलिए नहीं आई। तो पूछा कि आप क्यों आई, तब उसने बताया कि अभी 2-3 दिन पहले की बात है, मैं उज्जैन में मार्केट में बाजार में घूम रही थी, अचानक मुझे एक शख्स मिला, वो मुझे घूर रहा था और अचानक आकर बोलता है कि तुम कंचन हो। तो बोली मैं घबरा गई, मैंने कहा आप, तो उसने कहा मैं जोनपाल गांव का रहने वाला हूँ, और उसने मुझे पहचान लिया था, हालांकि अब करीब 9 साल का फर्क आ गया है, वो बड़ी हो गई है, माँ बन चुकी है। तब उस शख्स ने जब अपने बारे में बताया तब मुझे उसके बारे में भी याद आया कि हाँ ये हमारे पड़ोस में रहते हैं, हमारे चाचा टाइप में। फिर उसने कहा कि उस चाचा ने कहानी सुनाई कि तुम यहाँ हो और वहाँ तुम्हारी वजह से तुम्हारा पूरा परिवार जो है उसके ऊपर आफत टूटी हुई है, तुम्हारा भाई जेल में है, तुम्हारा जो पिता है वो बेल पर है, और तुम्हारे खून का इल्ज़ाम तुम्हारे घर वालों पर लगा हुआ। ये सुनते ही कंचन के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसने कहा जब ये पता चला बस अगले ही दिन मैंने गाँव जाने का फैसला किया, और जब गाँव आई तो मुझे सच्चाई का पता चला, तो मैं जिंदा हूँ। अब सवाल ये है कि कंचन जिंदा है तो जो पेड़ के नीचे से 210 हड्डियां पुलिस ने बरामद की वो किसकी थी, और पुलिस ने कैसे मान लिया कि कंचन मुर्दा है। तो अब जब इसकी परतें शुरू हुई तो जो पुलिस वाले थे जिन लोगों ने इसकी तफ्तीश की, खूब वाहवाही लूटी उस वक्त ऑपरेशन मुस्कान के तहत, उन सब की भी सच्चाई धीरे धीरे आनी शुरू हुई। कंचन के चाचा सामने आए और उन्होंने कहा कि दरअसल जिस पेड़ के नीचे से वो जो 210 हड्डियां पुलिस ने बरामद करने का दावा किया है, उस आम के पेड़ के नीचे मेरी पत्नी की लाश दफन थी। हमारी बिरादरी में होता है, वो बुज़ुर्ग थी और मौत के बाद हम दफना देते हैं, तो मैंने वहीं उसी पेड़ के नीचे मैंने अपनी पत्नी की लाश दफनाई थी, और जब पुलिस वाले आए थे तब भी मैं कह रहा था, लेकिन पुलिस वालों ने सुना नहीं और उन्होंने मेरी भतीजी की लाश दिखा दी, यानी कंचन की। तो बोले ये तो पुलिस ने उसी वक्त, हम सब कह रहे थे। अब बाप से पूछा गया बाकी कि आप लोगों ने अपनी बेटी के कत्ल का इल्ज़ाम स्वीकार कैसे कर लिया, तो पिता ने बताया कि पुलिस जब आई 2021 में उसने कहा तुम्हारी बेटी की गुमशुदगी का केस दोबारा से खोलेंगे, फिर वो लगातार कई बार आए, बेटे के बारे में पूछा, पुलिस की टीम होशंगाबाद पहुंच गई जहां वो नौकरी करता था, मोबाइल नंबर देकर उसे उठा कर लिया गया, और एक रात अचानक आकर कहती है कि हमें उस एक जगह गड्ढा खोदना है, साथ चलो, और उन्होंने हमें कुछ नहीं बताया कि यहां क्या ढूंढने आए, गड्ढा खोदा वहाँ से कुछ हड्डियाँ निकाली और फिर हमें कहा कि तुमने कंचन को मारा है, हम बाप बेटे को सीधा जेल भेज दिया, अब वो तो जमानत पर आ गया लेकिन बेटा जेल में है। माँ ने अब बयान दिया कि 2021 में पुलिस आई और उसने कहा तुम्हारे पति और तुम्हारे बेटे ने तुम्हारी बेटी का कत्ल किया है, और तुम भी ये मान लो ये बात, तुम्हारे बेटे ने मान लिया नहीं तो अंजाम बुरा होगा। माँ ने कहा कि इतना धमकाया हमें कि हमने भी मान लिया, पिता ने कहा हमें इतना धमकाया कि पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर देंगे, हमने भी मान लिया। बेटे से जब पूछा गया जेल में है वो, तब उसके वकील ने कहा कि शुरुआत से ही बेटा कह रहा था मैं बेकसूर हूँ, मैंने छड़ी से मारा था, डंडे से नहीं, और छड़ी से अगर सर पे भी लगता है तो किसी की मौत नहीं होती। हम सब बचपन में शायद स्कूल अपने मास्टर ट्यूशन पढ़ने वाली या स्कूल में हमेशा छड़ी से पिटे हैं, और कई बार बचने के चक्कर में छड़ी सर पे भी लगा है, पीठ पे भी, हाथ पे भी, पैर पे भी। तो हर एक को पुलिस ने धमकाया और इसके बाद हर एक से जुर्म कबूल करवाया और इस केस को क्लोज किया। ऑपरेशन मुस्कान की एक और कामयाबी दिखाई, दिखाया कि एक और नंबर बढ़ गया पुरानी बच्चियों को ढूंढने का और उनके परिवार के चेहरे पर मुस्कान लाने का। अब इस तरीके से पुलिस ने इस ऑपरेशन मुस्कान को अंजाम दिया, तो न मालूम जब तक कह रहे हैं कि करीब 2500 केस उन्होंने सुलझा लिए हैं, उन 2500 केस में से कितने असली मुस्कान हैं और कितने फर्जी हैं। अब आला पुलिस अफसरों ने इस मामले की जाँच के आदेश दिए हैं, उन्होंने कहा है कि अब कंचन का दोबारा से हम लोग डीएनए सैंपल ले रहे हैं और भेज रहे हैं, और जो 2 साल पहले से एक डीएनए का सैंपल पड़ा हुआ जिसकी शुद्ध बुद्ध नहीं थी पुलिस को कि 2 साल हो गए रिपोर्ट तो मंगा लो, वो अब कह रहे हैं कि हम जरा उसको भी ला रहे हैं।
तो अब ये सारी चीज़ें हो रही हैं और अब देखना है कि आगे क्या होता है।